आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे आप एक माह में 7 से लेके 8 kg वजन कम कर सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से और इजीली। आप देख रहे हैं हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो मैं आपको एक रूटीन बताने जा रहा हूँ, ये एक मंथ की रूटीन है और ये शर्तिया आपका वज़न 7 से लेके 8 kg तक कम करती है, वो भी किसी मुश्किल डाइटिंग और मुश्किल एक्सरसाइज के बगैर। दोस्तों ये अजमूदा है, मैंने पूरा जो मैं आपके साथ रूटीन शेयर करने जा रहा हूँ एक महीने के लिए, ये मैंने कई लोगों पे आजमाई है। आजमाने के बाद जब रिज़ल्ट मिले हैं उसके बाद ही मैं ये आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं कोई भी ऐसी चीज़ शेयर नहीं करता जो जस्ट मफरूज़ों पे या सुनी सुनाई हो, मैं वही चीज़ करता हूँ जो या तो मुझे 100% मुस्तनद ज़राए से मिले या मैंने खुद आजमाई हो। दोस्तों वज़न एक बहुत, जिसको आप कह सकते हो, तकलीफ़ दे और मुज़र बीमारी है। ज़्यादा वज़न होने से आप ये आप समझ लेंगे, मैं आपको कह सकता हूँ कि मोटापा तमाम बीमारियों की माँ है, और ये बात बिल्कुल गलत ना होगी कि मोटापा तमाम बीमारियों की माँ है। वो इस तरह कि एक दफ़ा आप मोटापे का शिकार हो जाते हैं तो उसके बाद आप हार्ट अटैक, शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, इन जैसी मोलक बीमारियाँ आपके लिए कोई, जिसको आप कह सकते हो कि गैर नहीं रहेंगी। एक दफ़ा मोटापे का शिकार होगे उसके बाद ये बीमारियाँ, इनमें से कोई ना कोई बीमारी आपको लाजमी होगी। तो दोस्तों मोटापे से बचे। मोटापा ना सिर्फ आपकी शख्सियत को दबाता है बल्कि आपको बहुत सारी मुज़र बीमारियों का भी शिकार कर देता है, आपकी परफॉर्मेंस ख़त्म होकर रह जाती है। इसके अलावा दोस्तों ये मैं ये कहना चाहूँगा कि हम जो भी यहाँ बात करते हैं वो हम इस नीयत से करते हैं कि किसी ना किसी का हम भला कर सकें। तो दोस्तों कोशिश कीजिए इस वीडियो को हमारी दूसरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे लोगों तक पहुँचाइए ताकि उनका भी भला हो सके। ज़्यादा बात नहीं करूँगा, इसके बाद मैं अब आपको रूटीन देने जा रहा हूँ, एक मंथ की शर्तिया रूटीन। और ये हकीम अली का दावा है कि इस रूटीन पे अगर एज इट इज़ अमल कर लिया जाए तो 7 से 8 kg तक वज़न कम होगा, ना हुआ तो आप मेरा गिरेबान पकड़ सकते हैं, मैं यहाँ तक कहता हूँ। क्योंकि दोस्तों मैंने ये एक नहीं, मैंने 5 बंदों पे गिन के मैं आपको कह सकता हूँ, मैं मफरूज़ों पे या एक या दो नहीं कहूँगा, मैंने पूरे 5 बंदों पर ये आजमाया है और उनको यही रिज़ल्ट पाया है। एक का 6.5 kg कम हुआ है, एक का 7 हुआ है, एक का तकरीबन 7.5 और एक का तकरीबन 8 kg से कुछ ग्राम कम वज़न कम हुआ है। तकरीबन एवरेज आप कह सकते हैं 7 से लेकर 8 kg तक वज़न कम होता है शर्तिया। तो दोस्तों आइए रूटीन शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने कहा था, इसमें कोई हैवी डाइटिंग या एक्सरसाइज इन्वॉल्व नहीं है, बहुत ही आसान रूटीन है। सुबह से लेकर शाम तक आपने जस्ट कुछ आदतें चेंज करनी है और इसके साथ कुछ रेमडीज़ लेनी है पूरे एक मंथ तक। अब दोस्तों सुबह से शुरू करते हैं कि हमारा डे वन है। डे वन की जो रूटीन होगी वही डे जो 30 डे तक यही रूटीन एज इट इज़ जाएगी। तो डे वन की रूटीन इस तरह है कि आप सुबह उठते हैं तो दोस्तों नाश्ता करने से पहले या कुछ भी खाने से पहले आपने हल्का सा पानी को नीम गर्म करना है, 2 ग्लास पानी को, और उसमें एक बड़ा नींबू या दो या बिल्कुल अगर छोटे नींबू है तो 3 या कम से कम अगर मीडियम है तो 2 नींबू, अगर बड़ा है तो 1 नींबू काफ़ी है। 2 ग्लास पानी में नीम गर्म पानी कर लीजिए, उसमें एक बड़ा नींबू या 2 छोटे या 3 बहुत अगर छोटे नींबू है तो उसको निचोड़ लीजिए। नींबू निचोड़ने के बाद आपने उसको पानी को, नीम गर्म पानी को पी लेना है नाश्ते से पहले, उसके आधा घंटा बाद आपने नाश्ता करना है। दोस्तों ये नींबू मिला जो पानी है ये आपके जो गंद जिस्म में जमा हुआ हुआ था आंतों में उसको साफ करेगा, आपके सिस्टम को बिल्कुल क्लीन कर देगा, जो फाजल मादे थे वो निकाल देगा आपके जिस्म से, आपका डी जो है वो जो टॉक्सिन आपके अंदर जमा हुए हुए थे वो ख़त्म कर देगा। तो ये हमारा एक हेल्दी आगाज़ होगा दिन का। उसके बाद दोस्तों आपने नॉर्मल नाश्ता करना है। नॉर्मल नाश्ता करने के बाद दोस्तों, लेकिन ये नॉर्मल नाश्ता परोंठे या हैवी नाश्ता नहीं होना चाहिए, कोशिश कीजिए 1 स्लाइस ले लीजिए, 1 अंडा ले लीजिए, 1 चाय का कप ले लीजिए।
या अगर सबसे बेस्ट जो मैं मेरा रिकमेंडेड है तो कोई भी दलिया ले लीजिए, उसमें दूध मिला लीजिए, 2 या 4 दाने चीनी का मिलाइए और उसको खाइए, बेहतरीन है। तो दोस्तों ये आपका नाश्ता हो गया। अब हमने दोपहर के खाने पे चले जाते हैं। दोस्तों दोपहर के खाने में हमने क्या करना है, दोपहर के खाने में हमने सिंपल जो है या एक चपाती खा लीजिए, एक रोटी खा लीजिए, और कुछ आपको कोई ऐसी चीज़ खाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी परहेज करने की ज़रूरत नहीं है, 1 या 1.5 चपाती भी खा सकते हैं, क्योंकि दोपहर को खाना बहुत इतना खाना कि आपको एनर्जी मिल सके बहुत ज़रूरी है। दोपहर के खाने में कभी भी डाइटिंग मत कीजिए, या अगर आप कर सकते हैं तो ये दूसरा स्टेप ये है जो मेरा रिकमेंडेड है इस रूटीन के तहत, कि आपने कम अज़ कम आधा बोल सैलेड ले लीजिए, उसको खाइए जो आपकी नॉर्मल आप रोटी खाते हैं। इसमें रोटी में कोई कमी पेशी, खाने में कोई कमी पेशी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 1 चपाती खाते हैं या 2 खाते हैं तो 2 खाइए, लेकिन 7 सैलेड खाइए। तो दोस्तों ये हमारे दोपहर का हो गया। इसके बाद दोस्तों हमने चले जाते हैं अपनी डायरेक्ट शाम पे या रात के खाने पे। रात के खाने से दोस्तों उसमें आपने ये करना है कि आपने जो है सिर्फ और सिर्फ, इसमें चावल आपने बिल्कुल नहीं खाने ना पूरे दिन में, इसमें आपने चावल बिल्कुल नहीं खाने, चावल पूरी तरह छोड़ देने हैं। दोस्तों रात को आपने क्या करना है, जो नॉर्मल खाते हैं वो खाना खाइए, ठीक है, लेकिन इसके बाद आपने आधा घंटा चलना फिरना नहीं है, बैठ जाइए, रिलैक्स करिए। जब आप खाना खाते हैं तो खाना आपके जिस्म के अंदर जाता है और वो हज़म होना शुरू करता है। हज़म होने के अमल के दौरान आपका जिस्म ऑक्सीजन इंटेक करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जिसकी वजह से आपका जो है जिस्म वो सुस्त फील करता है और आपको नींद आने जैसा महसूस होता है। तो दोस्तों आधा घंटा आपने खाना खाने के बाद आराम से बैठ जाइए, लेटिएगा मत, बैठिए, टीवी देखिए, बातें कीजिए, और आधे घंटे बाद आपने उठना है, और कम से कम आधा घंटा, मैं ये नहीं कहूँगा 15-20 मिनट, कम से कम आधा घंटा, और रिकमेंडेड है कि आपने 40 मिनट वॉक करनी है नॉर्मल, बिल्कुल जॉगिंग या वो मत कीजिएगा, खाने खाने के बाद जॉगिंग या एक्सरसाइज कभी नहीं करते, सिर्फ वॉकिंग करनी है। जितना आप वॉकिंग स्पीड बस नॉर्मल रख लीजिए, लेकिन कम मत रखिए, ज़्यादा तेज़ मत रखिए, कम से कम आधा घंटा या 40 मिनट। और दोस्तों उसके बाद आपने जब खाना खाने के 2 घंटे बाद आपने क्या करना है कि आपने एक छोटी इलायची, एक बड़ी इलायची, यानी आपने फ़र्ज़ कर ली 1 महीने के लिए, आप देख लीजिए, आप उस अपने हिसाब से बना लीजिए, लेकिन उसमें आधी छोटी इलायची होनी चाहिए, आधी बड़ी इलायची होनी चाहिए, इनका पाउडर बना लीजिए, दूध लीजिए, आधी चम्मच इस्तकबोल मुंह में डालिए, और दूध में आपने टीस्पून होती है उसका 1/3 हिस्सा छोटी इलायची और बड़ी इलायची छिलको और बीचों समेत आपने पीस के पाउडर बना लेना है, उसकी 1/3 हिस्सा उस दूध में डालना है, मिक्स कर लेना है, और एक आधी चमची आधी या आप आधी चमची ये खाने वाली या 1 टीस्पून आपने इस्तकबोल का मुंह में डालना है, और ये इलायची छोटी इलायची और बड़ी इलायची का पाउडर मिले दूध में आपने जो मिक्स किया था उसके उस दूध के हमरा आपने वो इस्तकबोल इंटेक कर लेना है ताकि आपका हाजमा ठीक रहे। इस चीज़ का मकसद ये है, ये दूध ये जो छोटी इलायची और बड़ी इलायची मेटाबॉलिज्म रेट तेज़ करती है, चर्बी पिघलाने ऐसे पिघलाती है जैसे गर्म चाकू मक्खन पर रख दिया हो वैसे ही चर्बी पिघलाती है। और दूसरा जो इस्तकबोल का दूध के साथ हमने हमरा लिया है वो ये है, मकसद ये है कि हमारा निज़ाम हाजम ठीक रहे, मैदे में ब्लॉकेज ना हो, हमारा जो है कब्जी वगैरह ना हो, क्योंकि दोस्तों अगर आपका हाजमा ठीक है तो आपको मोटापा जो भी आप जो मर्ज़ी खा लें मोटापा आपके पास नहीं आता, आपके जिस्म में जमा नहीं होता। और दोस्तों ये जो है ये पूरे दिन की बहुत सिंपल सी रूटीन थी, इसमें कोई डाइटिंग नहीं है इन्वॉल्व, कोई इसमें खाना छोड़ना इन्वॉल्व नहीं है, इसमें कोई हैवी एक्सरसाइज इन्वॉल्व नहीं है, छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो जस्ट आप कह लें कि हमने इसको हैक किया है अपने जिस्म को। ये छोटी छोटी चीज़ें ही लगती हैं कि सुबह उठ के नींबू पानी में नींबू डाल के पी लिया, दोपहर को हमने सैलड ले ली, रात को हमने खाने के आधा घंटा बाद वॉकिंग कर ली, और सोने से पहले हमने दूध में आधा चम्मच 1/3 हिस्सा चम्मच का इलायची का पाउडर मिला के और उसके साथ आधा चम्मच इस्तकबोल ले लिया। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें लगती हैं, लेकिन दोस्तों
इनके जो अफेक्ट्स हैं, जो आपका जो जिस्म में जो जिसको मैट्रिक्स चेंज करते हैं ये चीज़ें, वो कमाल के हैं और मैंने रिजल्ट देखे हैं तभी आपसे बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये आपको सुनने में हो सकता है कि आपको लगे कि हकीम अली जस्ट ये क्या बात कर रहा है, क्या बात छोड़ रहा है, लेकिन यकीन माने आप आजमाएंगे तो दुआएं देंगे मुझे कि वाह क्या चीज़ मैंने आपको, क्या नुस्खा आपको दिया, क्या एक मंथ का शेड्यूल दिया है वेट कम करने के लिए। दोस्तों ये वीडियो में आपने ज़रूर कमेंट्स में बताना है और आजमाइएगा ज़रूर, और फिर वन मंथ बाद मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको क्या रिज़ल्ट मिलते हैं। वो बच्चियां, वो लड़कियां जिनकी शादी होने वाली हैं और वो वेट कम करना चाहती हैं, उनके लिए भी ये बहुत कमाल की एक चीज़ है, उसको आजमाइए और वेट कम कीजिए अपनी शादी से पहले। इससे के साथ ही आपसे इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। और दोस्तों अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और रेड बटन को भी दबा दीजिए ताकि हर मेरी नई आने वाली वीडियो आपको मिल